ये पिछले कई टाइम से कह रहे थे कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ना तो आइडियोलॉजी है और ना उनका कोई बैकग्राउंड है, तो जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो इनके साथ जुड़ता चला जा रहा है और वो समाज में ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है और ये ऐसी घटनाएँ छोटी बहुत ध्यान में आ रही हैं और ये उसी का नतीजा है। हमारे बार बार बोलने के बाद भी उसी तरीके के लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन मिल रहा है आम आदमी पार्टी में, और उसके कारण से ये जो एंटी सोशल एलिमेंट है इस इलाके में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 45 साल में किसी भी चुनाव में, चाहे वो कॉरपोरेशन, लोकसभा या विधानसभा का हो, कभी किसी पार्टी में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, इतना शांतिप्रिय ये इलाका है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या इसलिए क्या बौखला गए हैं विरोधी? देखिए, ऐसा है कि पूरी तरीके से टूट गए हैं, सपोर्ट मिल नहीं रहा है, लोग सपोर्ट नहीं दे रहे, लोगों का मन इस समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जुड़ता चला जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन के कारण इस तरीके की हरकतें हैं और हमने प्रशासन से कहा है कि इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। उन्होंने अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति को अरेस्ट किया, हमने कहा दूसरे व्यक्ति को भी जल्दी अरेस्ट किया जाए और उस पर इमीडिएट एक्शन। पुलिस ने क्या FIR दर्ज करी? FIR दर्ज करी है, 326 का मुकदमा भी बना है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मारा गया। आप देखिए, 15 टाके आए हैं, खून से लथपथ हमारे जो विक्रम जी हैं वो हो गए थे। तो पुलिस ने जो एक्शन किया है, हमने कहा है दूसरे आदमी को भी जल्दी अरेस्ट कीजिए और प्रशासन। दूसरा आदमी फरार है? दूसरा आदमी मिल नहीं रहा है, वो फरार है, वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने हमें आज 1 बजे तक का टाइम दिया है कि उसको भी हम पकड़ेंगे, उसके बाद वरना हम पुलिस से भी बात करेंगे। एक आपन पार्टी जो दूध के उबाल की तरह ऊपर आई थी, एक पानी छिटे से बैठ गई है, उसी प्रकार की इनकी स्थिति भयंकर बनी है। इस समय दिल्ली के अंदर है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो बौखला गई है एक प्रकार की, उनके कार्यकर्ता परेशान है, दिक्कत आ रही है। हम भारतीय जनता पार्टी मोदी प्रधानमंत्री बने उसके लिए जो प्रचार कर रहे हैं, तो उनको इस प्रकार की भी चिंता जुटकर हो रही है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपील कर बैठा हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी को पीड़ा देगा, दुख देगा। भारतीय जनता